नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के ग्राम खलघाट में 29,83,000 रुपयों से पुलिस चौकी नव निर्मित हुई है। गुरुवार को 1 बजे पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन संपन्न हुआ। उद्घाटन में क्षेत्रीय विधायक पाचीलाल मेडा, पूर्व विधायक कालू सिंह ठाकुर, पूर्व गृह मंत्री जगदीश मुवेल, जिला पंचायत अध्यक्ष मालती पटेल, ग्राम खलघाट की सरपंच यशोदा कटारे, नगर अध्यक्ष दिनेश शर्मा, वरिष्ठ नेता कमल किशोर पाटीदार, समाज सेवी जीवन सिंह पटेल, महेश पाटीदार, धर्मपुरी मंडल अध्यक्ष कमलेश मानवे, सतीश चौधरी, करण काहिर सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। हम बता रहे हैं कि ग्राम खलघाट फोर लेन पर स्थित है, जहां पर आए दिन बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। साथ ही नर्मदा ब्रिज भी चौकी से कुछ ही दूरी पर है। यहां पर कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके चलते धार आदित्य प्रताप सिंह के अथक प्रयासों से पुलिस सहायता केंद्र बनाया गया है। इसका बेसिकली पर्पस ये है कि जो जिले की एंट्री है एबी रोड पर, उसके लिए ये बनाई गई है। इसमें अभी पर्याप्त बल देके और इसका बेसिक पर्पस यहाँ की लोकल पेट्रोलिंग कानून व्यवस्था को देखना और कोई भी इश्यूज हाईवे के देखने के लिए ये हाईवे चेक पोस्ट आज इनॉग्रेट की जा रही है। सर, निवेदन था कि धानी में भी पहले एक चौकी खुली थी सर, जिसका भी शुभारंभ बहुत जोर शोर से किया था, लेकिन वो वीरान पड़ रही थी सर, फिर एक नई चौकी धानी सर, धानी गुजरी में धानी, अरे उसके नीचे, देखिए आज की उसके नीचे जो देखिए आज की जो चौकी की इनॉग्रेशन है उसके बारे में बात करते हैं। ये हाईवे चेक पोस्ट जो है ये शहर की पूरे जिले की एंट्री पॉइंट है, तो इसका इनॉग्रेशन है और इससे जो है पुलिस की वर्किंग को और भी एडवांटेज मिला। सर, जिले में कहाँ कहाँ ओपनिंग हो रही है? इसके अलावा धर्मपुरी, मनावर, बाग, टांडा, थाना। सर, गणेश मंदिर घाट क्षेत्र में करीब 800 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक, और सर 4 किलोमीटर में सर मतलब 10-10 मीटर पे जिला चेंज होता है, कभी खरगोन जिले की बॉर्डर आ जाती है, कभी धार जिले की। तो क्या ऐसा कुछ आगे सुधार हो सकता है कि वो गणेश मंदिर से पूरा क्षेत्र धामनोद थाने को दे दिया जाए? ठीक है, अभी ये सीमा जो परिवर्तन है खासकर दो जिलों के बीच में जी जो है थोड़ा वरिष्ठ स्तर से ये एक्शन हो सकता है, बाकी हमारे लेवल की जो भी व्यवस्था है वो की जाएगी। थैंक यू।